नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज भी हम डाइवर्जेंस प्रमेय लेकर के आए हैं, उसका क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर दिया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम मूल्यांकन करने वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम बताएंगे आपको सत्यापित करने वाला। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या क्वेश्चन मिलता है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या दिख रहा है। मूल्यांकन कीजिए सरफेस इंटीग्रल वाई स्क्वायर जेडी स्क्वायर आई के प्लस जेडी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के प्लस जेडी स्क्वायर वाई स्क्वायर के डॉट एन के डी ए, जहां ए गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेडी स्क्वायर का वह पृष्ठ है जो एक्स वाई समतल के ऊपर है। एक्स वाई समतल मतलब जेड इज इक्वल जीरो, याद रखिएगा, समतल के ऊपर बोला गया। तो चलो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो राइट कर लेता हूं गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। क्या होगा भाई, एस एफ डॉट एन केप डी एस वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी। ये देखिए, अब यहां पर हमको क्या दिया है, देखो सबसे पहले एफ इज इक्वल क्या दिया है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई के वेक्टर एफ और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के केफ। ये आ गया, तो हम यहां से क्या करेंगे, डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले डेल डॉट एफ देखिएगा, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। चलिए अब ये डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो एफ का वैल्यू कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई के एफ प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के एफ प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के एफ। ये हो गया, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, देखो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डेल बाई डेल वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल जेड जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो पहला तो जीरो हो गया भाई, कोई भी एक्स नहीं है, दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, तीसरा जेड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल आया टू जेड वाई स्क्वायर। ये आपको मिल गया, यानी फाइनली आपने पाया टू जेड वाई स्क्वायर। चलो अब रखो समीकरण एक में, है ना, समीकरण एक से तो सरफेस इंटीग्रल वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई के एफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के एफ जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के एफ ये डॉट और एन के एफ डी एस इज इक्वल, देखो प्यारे बच्चों यही है, बिल्कुल है। अब वॉल्यूम में क्या करेंगे हम लोग, देखिए वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा इसका टू जेड वाई स्क्वायर डी वी। अब जहां भी गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल वन के गोले वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल वन एक्स वाई समतल में ऊपर का भाग है, लिखा होगा ऊपर देखना। तो बच्चों एक्स वाई समतल में क्या होगा, सबसे पहले तो आप लिखिए डीवी मतलब कितना हो गया डीएक्स डीवाई डीजेड। एक्स वाई समतल मतलब जेड इज इक्वल क्या हो गया जीरो, ठीक है, जेड इज इक्वल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बच्चों, जेड इज इक्वल जीरो एक्स वाई समतल में। और यहां पर जेड का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस, तो हम तो पॉजिटिव लेंगे, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका काम हो गया, अब आइए किसमें वाई, इसमें देखो यदि जेड जीरो है तो बचा कौन जेड, ध्यान देना बच्चों ध्यान दीजिए, जेड जीरो है तो बचा कौन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन, तो दूसरा वाई इज इक्वल इसका हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से वाई इज इक्वल माइनस में ना माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तक,
यानी आपने जेड को जीरो किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन, तो वाई का लिमिट क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस से प्लस होना है, याद रखिएगा बच्चों, ये ऐसा लिमिट निकालते हैं, यानी जेड को जीरो करके। अब जेड का भी काम हो गया, वाई का भी काम हो गया, दोनों को खत्म कर दो, बचा कौन, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बचा मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल वन, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वन, ये लिमिट बनेगा। तो एक्स इज इक्वल माइनस वन से एक्स इज इक्वल वन तक क्या है, परिबद्ध है। लिमिट कैसे निकाले समझ में आया, एक्स वाई समतल दिया है तो जेड इज इक्वल जीरो रख देना, जीरो रखिएगा पहला, और दूसरा जेड का वैल्यू यहां से निकलेगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन आप जेड इज इक्वल जीरो तक पहुंच चुके हो तो उसके ऊपर मतलब पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, तो हमने पॉजिटिव लिया। अब इसका हो गया मतलब जेड जीरो रख दीजिए, फिनिश हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन आया, इसके लिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो माइनस से प्लस। अब इसका भी काम हो चुकने के बाद इन दोनों को हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल वन आया तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वन, तो माइनस वन से वन, ये इस ढंग से परिबद्ध होता है। तो चलिए हमने यहां पर क्या क्या पाया लिमिट, इसी को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सरफेस इंटीग्रल जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर आई के जेड स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर एक सेकंड प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ गड़बड़ हमने लिखा है। पहला है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी गड़बड़ है क्या, रुको बच्चों, गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब चलो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के केफ, ये हमारे पास है डॉट एन केफ डीएस। चलो क्या कीजिएगा, इसमें रखिएगा और क्या करोगे भाई, वॉल्यूम टू जेड वाई स्क्वायर डीएक्स टू जेड वाई स्क्वायर dx dy dz 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0 टू सॉरी माइनस 1 टू 1। इसको सॉल्विंग करना है प्यारे बच्चों, बस। तो सबसे पहला z के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 1 टू 1 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जेड का हुआ जेड स्क्वायर बाई टू जीरो टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर डीएक्स डीवाई। देखो पहले हमने जेड के रिस्पेक्ट में कर दिया तो ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर का कितना आएगा माइनस वन टू वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, इसमें रखिएगा, स्क्वायर करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाना है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आ गया वाई स्क्वायर डीएक्स डीवाई। चलो इसको अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कीजिएगा, माइनस वन टू वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर को अंदर ले जाओ, कैसे करो, वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक और वाई पावर फोर दूसरा और डीएक्स डीवाई, ये आ गया। अब देखो वाई स्क्वायर सम है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं जीरो और इधर टू। बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब सम होता है तो हम रखते हैं टू जीरो टू ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब सम हो माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स मिले, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो टू माइनस वन टू वन वाई क्यूब बाई थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई पावर फाइव अपॉन फाइव और जीरो टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया डीएक्स। चलो
देखो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 टू 1, इसमें रखिए तो इसको कहेंगे 1 माइनस x पावर 3 बाई 2 अपॉन 3, और ये 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 माइनस x स्क्वायर रखिएगा, 1 बाई 2 वाला रखिएगा तो 5 बाई 2 आएगा यहाँ पर, और ये आ गया 5, बाकी 0 में तो 0 हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 2, तो आपको मिलेगा एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन 15, इन दोनों को मिलाइएगा तो 3 बाई 2 प्लस 1 कितना होगा 5 बाई 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्यारे बच्चों ये आ गया 5 बाई 2 dx। कैसे हुआ समझ में आया, इनको इनको मिलाइएगा तो 3 बाई 2 प्लस 1 5 बाई 2 हो गया। अब देखिए दोनों है ना, इस तरीके से कॉमन निकाल लो, 1 माइनस x स्क्वायर 5 बाई 2, तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, और 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 एलसीएम आया 15, 5 माइनस 3 2 बाई 15, तो 2 बाई 15 लिख दिया मैं। अब ये फिर से वही प्रॉपर्टी लग गया, पहले से टू था, टू फिर उसी प्रॉपर्टी को फिर लगा दिया क्योंकि सम है, तो आ गया 15 1 माइनस x स्क्वायर पावर 5 बाई 2 dx। चलो क्या कीजिएगा, इनमें से देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 15, और 0 टू 1 1 माइनस x स्क्वायर 5 बाई 2 dx। क्या कीजिएगा, x इज इक्वल क्या रखिएगा साइन थीटा, dx इज इक्वल कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट बदलिए तो लिमिट बदलेंगे जब 1 रखेंगे साइन में तो पाई बाई टू मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर कितना 5 बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा डी थीटा। देखिए बच्चों क्या मिलेगा भाई, 8 अपॉन 15 0 टू 5 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 5 बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पर हम लाएंगे देखो 8 अपॉन 15 0 टू 5 बाई 2 कॉस पावर 5 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों यहां पर देखो पाई बाई टू है, तो आपने आपने क्या किया है, इंटीग्रेशन पढ़ा है सेकंड पेपर में, उसमें आपने पढ़ा होगा वालिच फार्मूला, बिल्कुल पढ़ा होगा बच्चों, गामा है ना वाला है। तो देखिए 0 टू पाई बाई 2 कॉस पावर एन थीटा डी थीटा, जब सम होता है तो एन माइनस वन अपॉन एन डेज डिस एंड स्वान, ये होता है 3/4 1/2 पाई बाई 2। तो यहाँ पर एन के जगह रखिएगा वैल्यू कितना, 6 सम है ना ये, एन के जगह रखिएगा वैल्यू, ये देखो 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 अपॉन 6 यानी आपको क्या मिल गया 5/6। तो ऊपर को विषम विषम कम करना है, नीचे को सम सम कम करना है, 5 के बाद विषम कौन आएगा 3, 6 के बाद सम क्या होना आएगा 4, 3 के बाद कितना आएगा 1, और यहाँ पर 5, 4 के बाद कितना 2, और जब सम रहता है तो लास्ट पाई बाई 2। ये सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों, तो 5 3 जा 15 ये खत्म, 4 2 जा 8 ये खत्म, तो 6 2 जा 12, तो आपने पाया 12। कैसे आया समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से करना है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करना है। ये वालिज का फार्मूला याद रखना ना, ये वालिज सूत्र आप सेकेंड पेपर में पढ़े होंगे, इंट्रीगेशन का चैप्टर देखिएगा कैलकुलस के अंतर्गत, आपको वालिज फार्मूला मिलेगा और इस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, एफ डॉट एन डी एस का मान निकालिएगा, एफ भी दिया है और यहाँ पर लिमिट भी दे दिया है। चलो देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। क्या होता है गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन के एफ डी एस इज इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी। क्या कीजिएगा, डाइवर्जेंस एफ निकालिएगा, क्या करोगे और, चलो निकालो डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ, डेल मतलब आई, डेल बाई डेल एक्स प्लस जे, डेल बाई डेल वाई प्लस के, डेल बाई डेल जेड। ओके, और एफ का वैल्यू कितना है यहां पर, ये है 4xz i kf माइनस y2j kf प्लस yz k kf। चलिए अब इसको देखिएगा पहले का पहले से, ठीक है ना बच्चों, देखो पहले का पहले से
क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया फोर एक्स जेड माइनस डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड, ये होगा वाई जेड। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या पाइएगा, ये होगा फोर जेड, यहाँ पर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा टू वाई, यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में वाई। तो आपने क्या पाया, आपने पाया ये देखो फोर जेड माइनस कितना पाया वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। अब रखिएगा है ना, प्रमेय में रखिए, तो हमको तो एफ डॉट एन के एफ डी एस निकालना है, निकालना है। और यहाँ पर कौन है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, फोर जेड माइनस कितना वाई, और ये हो गया कितना डी वी आया। अब यहाँ पर देखो, देखो क्या होगा, यहाँ पर डी वी इज इक्वल कितना डी एक्स डी वाई डी जेड, तथा वी समतल, क्या दिया है समतल आपको, एक्स इज इक्वल जीरो एक्स इज इक्वल वन, वाई इज इक्वल जीरो वाई इज इक्वल वन, और जेड इज इक्वल जीरो जेड इज इक्वल जीरो जेड इज इक्वल वन से घिरा, घिरे क्षेत्र का आयतन है। तो कैसे निकालेंगे, ये आयतन है आपको दिया है, एक मिनट चेक कर लो बच्चों, यही है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, घिरा हुआ है। क्या कीजिएगा, यहां पर देखो आपको निकालना है डीएस, ये देखिए सब में जीरो टू वन है, क्या है भाई फोर जेड माइनस वाई, फोर जेड माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसके लिए लिमिट जीरो टू वन, इसके लिए जीरो टू वन, इसके लिए जीरो टू वन। एक बार और चेक कर लो प्यारे बच्चों, आपका जो फंक्शन है ठीक है कि नहीं है, उसे पता चल जाना है। ठीक है, आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो फोर जेड माइनस टू वाई, जेड के रिस्पेक्ट में वाई किया, बिल्कुल ठीक है। चलो क्या कीजिएगा, पहले जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो फोर जेड स्क्वायर बाई टू माइनस वाई जेड, वाई जेड जीरो टू वन डी एक्स डी वाई। अब वन माइनस जीरो रखिएगा तो क्या पाइएगा, जीरो टू वन जीरो टू वन, वन रखिएगा तो ये टू, और वन का स्क्वायर माइनस जीरो वन, टू माइनस ये कितना आ जाएगा वाई, और ये हो गया डी एक्स डी वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो टू वन, यहाँ पर आ जाएगा टू वाई, और ये वाई स्क्वायर बाई टू, फिर जीरो टू वन डी एक्स आया। यहाँ पर हमको मिला कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिला इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये वन रखिएगा तो टू माइनस वन बाई टू, आपने पाया डी एक्स, और क्या हो जाएगा जीरो टू वन, फोर माइनस वन थ्री बाई टू डी एक्स, बाहर कीजिएगा थ्री बाई टू को, तो ये आपको मिलेगा कितना थ्री बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स। तो इस तरीके से थ्री बाई टू एक्स जीरो टू वन, और इस प्रकार थ्री बाई टू वन माइनस जीरो, तो आपने पाया बच्चों थ्री बाई टू। तो ये इस ढंग से मूल्यांकन करना है, आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। तो प्यारे बच्चों बस इसी तरीके से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, मुझे उम्मीद है ये भी 100% समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।